नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी इतनी विशेष क्यों है? वैसे तो हर महीने दो और साल में 24 एकादशी आती है, पर देवउठनी एकादशी थोड़ी स्पेशल है और इस एकादशी में हम तुलसी विवाह भी मनाते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की दो कहानियाँ। पहली, देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्तानी एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्मास यानी चार महीने की योग निद्रा का अंत होता है और वे जागृत हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ये चार महीने असुर राजा बाली के पाताल लोक में बिताते हैं। लेकिन वहाँ क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। आपने भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें विष्णु जी वामन का रूप लेकर असुर राजा बाली से तीन पग भूमि मांगते हैं। बाली क्योंकि खुद को बहुत दानवीर समझता था, वो खुशी खुशी मान जाता है। वामन देव अपना एक पैर स्वर्ग में रखते हैं और दूसरा धरती पर, और बाली से पूछते हैं, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बाली विष्णु के स्वरूप को पहचान जाता है और कहता है, प्रभु तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए। बाली से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे पाताल का राजा बना देते हैं और बदले में बाली विष्णु जी से पाताल लोक में निवास करने का वरदान प्राप्त कर लेता है। बस इसी कारण भगवान विष्णु अपने चार महीने पाताल लोक में योग निद्रा में बिताकर देवउठनी एकादशी को जागृत होते हैं और वैकुंठ लौट जाते हैं। दूसरी, इस एकादशी में तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। तुलसी जी जो कि माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं, इस एकादशी में उनका विवाह विष्णु जी के शालिग्राम रूप से कराया जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि वृंदा राक्षस कुल में जन्मी एक विष्णु भक्ति जिसका विवाह असुर राजा जालंधर के साथ हुआ था। जालंधर बहुत शक्तिशाली था और एक दिन वो देवताओं से युद्ध करने निकल गया। वृंदा क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री थी, उसने जालंधर की विजय के लिए व्रत का संकल्प लिया और उसका यही व्रत जालंधर के लिए ढाल बन गया। भगवान विष्णु जानते थे कि जालंधर को पराजित करने के लिए वृंदा का पूजा व्रत और पतिव्रत दोनों तोड़ना होगा, इसलिए वो एक दिन जालंधर का रूप लेके वृंदा से मिलने पहुंच गए। वृंदा धोखे में उन्हें अपना पति समझ बैठी और पूजा से उठ गई और उनके पांव छू लिए। यहाँ उसका व्रत टूट गया और वहाँ जालंधर युद्ध में परास्त हो गया। विष्णु जी भी अपने असली रूप में आ गए और बहुत शर्मिंदा हुए। ये देख के ऑब्वियसली वृंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मेरे साथ छल किया है, अगले जन्म में तुम्हारी पत्नी के साथ भी छल होगा और तुम अपनी पत्नी की वियोग सहोगे। और जैसे तुम्हारा हृदय इतना कठोर और पत्थर का है, वैसे तुम भी पत्थर के बन जाओगे। ये बोल के वृंदा अपने पति की चिता में जल के सती हो गई। उसके शरीर की राख से एक तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीष दिया कि तुम्हारा विवाह सदैव मेरे शालिग्राम रूप से किया जाएगा और तुम्हारे बिना मेरी कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय श्री राम।